खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखे गांव की तस्वीर आपको दिखाने के लिए आए हैं। इस वक्त हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर पर हैं और बॉर्डर पर बसे आखिरी गांव जो भारतीय हिस्से में है नेमुगुड़ी, उसी गांव में है जो ठाकुरगंज प्रखंड में आता है और यहाँ से किशन जिला मुख्यालय लगभग 75 किलोमीटर के फासले पर है। गाँव भ्रमण करने के बाद ये एहसास हुआ कि यहाँ के लोगों को नहीं पता कि उनका DM, SP, MLA, MP क्या करते हैं नहीं करते हैं, इन्हें क्या लाभ मिलता है नहीं मिलता है, इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन आज ये खबर सीमांचल के जरिए अपनी बातें दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे शेयर कीजिए, इन लोगों की हिम्मत और जज्बे को अप्रिसिएट कीजिए और चलते चलते हम आपको यहाँ के उन युवाओं से भी मिलाएंगे जो अभाव के बावजूद भी सुशासन, कथित सुशासन के चलते जो लोग क्राइसिस में रह रहे हैं उनको कैसे मदद करते हैं, यहाँ के उन युवाओं से भी मिलाएंगे। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले सभी युवाओं का आपको दीदार कराना चाहेंगे जो अपने गांव में रह करके, सुदूर गांव में रह करके गांव की तस्वीर बदलने में लगे हैं। ये लोग किसी की मैयत हो जाए तो ये लोग खुद से खर्च करते हैं, खुद से मदद पहुंचाते हैं, किसी की शादी हो, किसी बेवा की शादी हो, किसी असहाय की किसी भी तरह की मदद करने की ज़रूरत हो तो ये लोग खुद से करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोगों के जज्बे को आप सलाम कीजिए और उन लोगों से बातचीत कीजिए कि कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं, रूबरू कराते हैं हम आपसे। बताइए, आप अपना नाम बताइए। मिन्हाज आलम है मेरा नाम। अच्छा, कैसे क्या करते हैं अपने गांव में आप लोग, गांव के विकास के लिए? सबसे पहले तो खबर सीमांचल का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपके यहाँ तक आप लोग आए। हाँ। कोई यहाँ तक आज तक तशरीफ़ नहीं लाया, चाहे MLA हो, MP हो, BDO हो, SP हो, DM हो। हाँ। कोई यहाँ तक आज तक नहीं पहुँचा है। हाँ, खबर सीमांचल आया, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया खबर सीमांचल की तरफ से आप लोगों का भी कि इतना अच्छा आप लोग हम लोगों को मतलब सम्मान दिए, शुक्रिया। तो बताइए आप लोग कैसे क्या काम करते हैं? जी, हम लोग तो यहाँ पे प्रशासन और के तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है। हम लोग अपने तरफ से एक कमेटी बनाए हैं जिसका नाम अल मदद वेलफेयर कमेटी है। हम लोग एक जगह फंड जमा करते हैं अपने तरफ से, पर्सनल पैसे से, उसको हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो, किसी गरीब के यहाँ शादी हो, किसी मजदूर के यहाँ शादी हो, उनको मदद करना, आर्थिक मदद करना। उसके बाद किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है हमारे यहाँ पे, तो लोग मेहमान आते हैं उनका देखभाल करना, उनका खाना पीने का इंतजाम करना, तन मन हर तरीके से हम लोग मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ाएं। अच्छा, इसमें हम लोग कोशिश में जुटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए आपकी कितना रिस्पांस मिलता है इस तरह के काम में? इस तरह का काम से रिस्पांस तो कही जाए तो बहुत अच्छा। हाँ। हर जगह से रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। हम लोग कुछ सोचे हैं इस चीज़ के बारे में कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, और जो चीज़ कर रहे हैं उस पर हम लोग अपने आप पे प्राउड फील होता है और लोगों को भी तारीफ सुनने में आता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि चारों तरफ से, हमारे तरफ से जो है, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हौसला बुलंद करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए अब तक एक साल में कितने लोगों को मदद पहुँचा है? लगभग 20 से 25 आदमी को मदद, 20 से 25 परिवार को मदद पहुँचा है आप लोग। तो चंदा इकट्ठा जब करते हैं तो लोग क्या देते हैं? जी, इसे गांव के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हम लोग। हाँ। सारे लड़के जुड़े हुए हैं, युवा। हाँ। और हर युवा जहाँ तक होता है इसमें डोनेट करते हैं और सब एक जगह इकट्ठा हम लोग करते हैं, पूरा टीम। हाँ। इकट्ठा करके जैसे किसी गरीब को, मतलब जैसे बरसात के टाइम में हो, हाँ। जो भी वो खाने पीने का सामान ये भी करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, किसी की मैयत हो जाती है उसमें किसी की मैयत हो जाती है उसमें खाने पीने का सामान, जैसे मेहमान वगैरह आता है उन लोग का देखभाल हम लोग तन मन धन से करते हैं। और हम लोग खबर सीमांचल के माध्यम से ये चाहते हैं कि इसको और हम लोग को मजबूती करने के लिए इस बात को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, तो जो भी साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि इन लोगों का काम वाकई में बहुत ही बढ़िया है, न्यारा है, प्यारा है, तो आप लोग ज़रूर सहयोग कीजिए। और जो कुछ भी आप अगर इन लोगों से बातचीत करना चाहें तो खबर सीमांचल पर डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। खबर सीमांचल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी किसी भी तरह की लेन देन की पूरी जानकारी डोनर को मिलती है। तो अब तक आप लोग जाति प्रथा से ऊपर उठ करके काम किए हैं? जी जी जी, बिल्कुल, है ना। और इसमें जो है, मान लीजिए किसी के घर में मैयत हो गई, जी जी, तो उसके बाद आप लोगों का काम शुरू हो जाता है कि भाई कैसे क्या करना चाहिए। हमारे घर वालों को,
हमारे जो लीडर है उसमें कुछ दो चार लीडर हैं, उनको फ़ोन के माध्यम से इन्फॉर्म जैसी होती है सारा मेंबर हम एक जगह जुट हो जाते हैं और सारे काम धाम उसको जितने सारे मेजरमेंट है हम लोग फुली सपोर्ट करके उसको जो है ना मुकम्मल करते हैं। मतलब घर वालों को टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम लोग की जिम्मेदारी है क्या करना है नहीं करना है। उन लोग को जिनके यहाँ मैयत होती है वो खुद परेशानी में रहते हैं, हम लोग को लगा है कि ये चीज़ बदलना, एक तो ये नियम ही हट जाना चाहिए, लेकिन जब है तो अगर हम लोग हैं तो हेल्प करते हैं ताकि घर वालों को और परेशानी ना हो। अच्छा। वो ऑलरेडी किसी दुख मतलब से मिलने के बाद दुख में रहते हैं, तो उस दुख को हम लोग हल्का करने के लिए उन लोगों की सहयोग हम लोग सहयोग में लग जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। मतलब खबर सीमांचल को लोग कहते हैं कि ये मौत की खबर खूब चलाता है, तो अब और ज्यादा खबरें मिलेंगी हम। जी बिल्कुल बेशक, है ना। तो चलिए, तो ये बात हुई, तो इन युवाओं के जज्बे को आप सलाम कीजिए, जिन्हें भी अगर ये स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।